गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस ऑनलाइन वीडियो में मैं आप कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों को प्रीपोजिशन के अंदर वीडियो देने जा रहा हूं। वो प्रीपोजिशन है और, तो ऑन का प्रयोग, वे कौन कौन से शब्द हैं, वो कैसे वाक्य हैं जिनमें हम ऑन का प्रयोग करते हैं। कल हमने एट का प्रयोग पढ़ा था कि एट का प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं। कुछ अस्थाई शब्द होते हैं, उससे पहले एट का प्रयोग होता है। इनका प्रयोग पढ़ा था, इनको का प्रयोग भी पढ़ा था। आज हम हमारा जो अगला प्रीपोजिशन का पॉइंट है और इसके ऊपर है, वो हम चर्चा करेंगे कि ये और है वो किस किस के लिए और कहाँ कहाँ प्रयोग पे होता है। तो इसके लिए हम नियम नंबर एक, पहले नियम के अंतर्गत जैसे कि हमने इन, इनटू, एट जितने भी प्रीपोजिशन होंगे उसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले कुछ नियम लिखते हैं और उस नियम के बाद में और हम क्या करेंगे उसके ऊपर छोटे छोटे वाक्य बनाकर देखेंगे कि इनका प्रयोग इसके आधार से होता है या नहीं होता है। तो आप इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक अच्छी तरीके से और देखें, समझें कि आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों, हमारा वीडियो ऑन का देखो। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर इस तरह से आरक्षी हुई हो कि दोनों की सतह एक दूसरी से एक दूसरे से स्पर्श कर रही है, तो और अब देखो विद्यार्थियों, हमें ज्यादा इन नियम में नहीं घुसना है। अगर इस नियम को आप पढ़ोगे तो थोड़ा आपको अटपटा लगेगा कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर इस तरह से रखी हुई हो कि दोनों की सतह एक दूसरे से स्पर्श कर रही हो। अब सतह स्पर्श कर रही हो, मान लेते हैं ये शब्द आपके बहुत समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको इसके लिए एक उदाहरण समझाता हूं, आप उस उदाहरण को जरूर समझना। माना कि मेरे पास एक ये वस्तु है, आ गया समझ में, और अब दूसरी मेरे पास एक पेन भी एक वस्तु है। अब इस वस्तु को मैंने इस वस्तु पर इस तरीके से रखा,
दोस्त हो गई, एक नीचे है एक इसके ऊपर रख दी। अब दोनों वस्तुओं की सतह, नीचे वाली वस्तु की ऊपरी सतह, ऊपर वाली वस्तु की नीचे की सतह एक दूसरे से मिली हुई होनी चाहिए। स्पर्श का मतलब होता है छूती होनी चाहिए। अब ये ऊपर वाली वस्तु नीचे वाली वस्तु क्या कर रही है, छू रही है, तो ऐसी स्थिति में इनका प्रयोग होता है। दूसरा उदाहरण देखो, ये मेरी हथेली इसको पान बोलते, इसको मैंने क्या रखा, ये चोंक रख दिया। अब ये चोंक है, इसके नीचे की जो सतह है वो मेरी हथेली की जो ऊपरी सतह है उसे क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। आगे समझ, आपके घर में एक टेबल पड़ी है, उस टेबल के ऊपर आपने अपना एक मोबाइल लाकर रख दिया, टेबल के ऊपर की सतह उससे मोबाइल की जो आपने ऊपर रखा उसी नीचे की सतह है वो क्या है, मिली हुई है, उसे स्पर्श कर रही है, इसे छू रही है। तो ऐसी वस्तुओं के लिए ऐसी स्थिति हो जहां पर ऊपर का भाव दे रहा हो, तो ऐसे में किसका प्रयोग करते हैं, इनका। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं वाक्य दिखा रहा हूं आपको, थोड़ा सा गौर से देखना है आपको, वाक्य ज्यादा समझना है, नियम नहीं समझाते तो वाक्य ज्यादा समझना है। तो देखेंगे, देयर इज ए देयर इज ए बुक का टेबल, There is a book खाली स्थान पर। अब टेबल के अंदर भी नहीं हो सकता, इनपुट भी नहीं आ सकता, आगे पोस्टेट में अगर तीन दो तीन दिए हुए हैं या नीचे चार दिए हुए हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, और क्यों कि एक टेबल है, There is a book on table, टेबल के ऊपर एक पुस्तक रखी हुई है। हमें पता है कि जब पुस्तक है वो टेबल के ऊपर रखेंगे हमें, तो पुस्तक के नीचे की सतह टेबल के ऊपर की सतह दोनों एक दूसरे से क्या है, स्पर्श कर रही है, इसलिए किसका प्रयोग होगा, फोन। अगर समझे, दूसरा देखो उदाहरण, माई मोबाइल फोन इज खालिस्तान on wall। चलो यहां पर हम दूसरा ले लेते हैं, जैसे डेस्क ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, डेस्क ले लेते हैं। मेरा मोबाइल बहुत इजमान है डेस्क पे, तो क्या आएगा, on, क्यों, डेस्क के नीचे की सतह मोबाइल के नीचे की सतह डेस्क के ऊपर की सतह एक दूसरे से क्या है, स्पर्श कर रही है, मिली हुई है, तो ऐसी स्थिति में क्या आना है, कौन सा। तो ये आपका था पहला नियम। अब आगे लेते हैं हम दूसरा नियम, वो दूसरा नियम क्या है, जैसे इसी नियम में एक बार के मैं आपको और बताता हूं, जैसे कि मान लो ये दीवार है, इस दीवार के ऊपर हमने कोई तस्वीर पिक्चर फोटो लगा रखी है, तो ऐसे ऐसे के लिए क्या आएगा, फोन आता है दीवार के ऊपर, तो ऑन आता है। अगला इसका प्रयोग आता है नंबर एक, दिनों दिन दिन का मतलब डे, दिना अर्थात डेट और दिन है, दिनांक है, पर्व है, उत्ते उत्साह प्यार के नामों से पहले से पहले क्या आएगा, ऑन। अब देखो
यहां पर देखो मैं ज्यादा वाक्य यूज करता हूं, अगर रहते ज्यादा हो जाएंगे वीडियो लंबा चला जाएगा, इसलिए मैं सीधा बताता हूं आपको। जैसे कौन एक शब्द से आप समझ जाएंगे संडे मंडे। अगर आपके वाक्य में कोई दिन बार का नाम दिया हुआ है संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो उससे पहले यदि खाली स्थान हो तो आपको क्या बनना है और बनना है दिनांक। जैसे और जनवरी, केवल महीने का नाम हो तो इन आएगा, सन हो तो इन आएगा, लेकिन अगर ये पहले क्या दे रखा है दिनांक दे रहे हैं 5 जनवरी तो ऑन 15 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल आदि। तो नियम क्या हुआ, अंग्रेजी महीने का नाम है उससे पहले पाकिस्तान है, उससे पहले उसका डेट दिया हुआ है, दिनांक दी हुई है, केवल महीना नहीं होना चाहिए, महीने के साथ क्या होनी चाहिए दिनांक होनी चाहिए, सही वो 1 से लेकर 31 तक कोई भी हो तो उससे पहले पाकिस्तान है तो कौन बनना है। हमारे दो पर्व है, हमारे दो राष्ट्रीय पर्व है, वो क्या क्या है, नंगल शशि कौन और अरे पब्लिक डे। हमारे भारतवर्ष के लिए दो राष्ट्रीय पर्व है जिसको स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस कहते हैं। जैसे 26 जनवरी है वो क्या है रिपब्लिक डे है, और एक जो हमारा 15 अगस्त है वो इंडिपेंडेंस डे होता है। तो इनमें से कोई एक का नाम हो दोनों पर्वों में से तो क्या आएगा कौन आएगा। उसके बाद में उत्सव, उत्सव क्या चीज होता है, जब हम विद्यालय में कोई उत्सव मनाते हैं, किसी की जयंती मनाते हैं, जैसे बसंत पंचमी का एक उत्सव मनाते हैं, गांधी जयंती का उत्सव मनाते हैं, कोई महापुरुष की जयंती को हम अपने विद्यालय में नाच गान है एक कल्चर प्रोग्राम देते हैं, झांकियां निकालते हैं, विद्यालय स्तर पर हम मनाते हैं, तो वो उत्सव होता है। और उससे पहले कौन का प्रयोग है, जैसे और गांधी जयंती और महाराणा प्रताप जयंती आदि। उसके बाद में आता है त्योहार, क्या आता है त्योहार से पहले और क्या आता है, जैसे और होली, और होली, जैसे होली हमारा एक त्योहार है, यह हमारा एक राष्ट्रीय त्योहार है, इससे पहले क्या आता है, इससे पहले क्या आता है कौन का प्रयोग। इसी प्रकार अन्य बहुत सारे जो हमारे त्योहार हैं, जैसे दीपावली है तो क्या जाएगा और दीपावली, या हम लिख सकते हैं और दिवाली, कोई भी बात नहीं, बात है दीपावली है तो या दिवाली है हमारा त्योहार। तो यहां पर मैंने दो त्योहारों का नाम लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, जितने भी त्योहारों के नाम हैं वो पर्वों की बात करें, उत्सवों की बात करें तो क्या है और जैसे गांधी और जयंती, और गांधी जयंती, और गांधी जयंती का मतलब महात्मा गांधी की जयंती पर, तो ये हमारा चारवा उत्सव। तो ये हमारा नियम था दिन दिनांक हो गए उत्सव त्योहारों के नामों से पहले, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे और प्रिकॉशन का प्रयोग करेंगे। तो ये था हमारा ऑन का। अब आगे कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे पहले स्थायी रूप से ऑन का प्रयोग होता है, जैसे
निम्न शब्दों से पहले हमेशा कौन आता है? कुछ ऐसा शब्द है, क्या है? ऑन टेलीविजन हो गया, ऑन रेडियो, ऑन फायर, ऑन रेडियो है, ऑन फायर है, ऑन लीव, लीव का मतलब है छुट्टी या अवकाश। टेलीविजन जाते हैं, दूरदर्शन, रेडियो जाएंगे, फायर भी इसके यहां पर आ हो गया। उसके बाद है ऑन टी ओ यू आर, ट्यूरिया टी आर आई पी ट्री ट्यूर है, ट्रिप छोटी बड़ी यात्रा है। ट्रिप का मतलब होता है एक छोटी यात्रा भ्रमण के लिए जाती है, कुछ लोग थोड़े दिन के लिए वो क्या ट्रिप। और अच्छा छोटी या छोटा भ्रमण या छोटी यात्रा ऑन टूर है। इसी प्रकार ऑन ड्यूटी, ऑन ड्यूटी। इसी प्रकार ऑन फोन या ऑन मोबाइल फोन, ये देखो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। टेलीविजन, रेडियो, फायर, लीव, जैसे आज हम छुट्टी पर हैं तो ऑन लीव। मैंने रेडियो पे ये सुना, ऑन रेडियो। मैंने टेलीविजन पर ये कार्यक्रम देखा, तो आई सॉ ए पिक्चर ऑन टेलीविजन। ऑन फायर है, ए फायर ऑन ए हाउस, ए फायर ऑन ए होटल स्ट्रीट। ऑन ड्यूटी आपने बताया दिया, ऑन ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य निष्ठ, वो क्यों अपने ड्यूटी पे है, देना है। ऑन फोन, फोन पर, ऑन मोबाइल फोन, जब आप बात कर रहे होंगे तो कह सकते हैं ही इज ऑन मोबाइल फोन, अर्थात अपने मोबाइल फोन पे है। तो इसी तरीके से अन्य और क्या कह सकते हैं जो आपके अस्थाई हैं, वो है एक और है जैसे ऑन हॉलीडे, ऑन हॉलीडे। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनके पहले हमेशा अस्थाई रूप से इनका प्रयोग होता है। अगला क्या तो अभी हमने जो नियम बताया है ऑन का, इस अर्थ में कुछ ऐसे स्थाई शब्द जिनसे पहले हमेशा और इनका प्रयोग होता है, हमेशा इनका ऑन का प्रयोग होता है। इसी तरीके से कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके नामों से पहले हमेशा क्या आता है, जैसे तीसरा या हमारा जो भी नियम है वो क्या है कि सवारी के रूप में ऑन। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, सवारी कर रहे हैं, तो उसमें ऑन कैसे आएगा? जिस प्रकार ऑन ऑन कैमल्स बी ए सी के बेड, ऑन हॉर्स ऑन कैमल बी ए सी के ऑन हॉर्स बैक, यानी यहां बैक का मतलब होता है पीठ से, इसे
पीछे। उसने उनके या घोड़े की पीठ पर सवारी की जैसे और सीवाईसी एंड साइकिल यहाँ पे क्या और या स्कूटर आ गया या जैसे और मोटर सीवाईसी यदि मोटरसाइकिल क्या सवारी के रूप में यदि हम सवारी करते हैं तो उनके रूप में क्या आता है यह आता है। फिर अगर हम बड़े वाहनों में सवारी कर रहे हैं ये छोटे हैं बड़े वाहनों में तो यहां पर कहने के लिए हमें बड़े वाहनों में सवारी करने पर ऑन बड़े वाहन कौन से जैसे बस एरोप्लेन शिप ट्रेन प्लेन आदि जैसे क्या है ऑन एन ए आर ओ पी एल एन डी ऑन एरोप्लेन। उसके बाद ऑन ए ट्रेन ऑन ए बस ऑन ए सीट और ऑन ए बहुत सारे ऐसे ये सब इनसे पहले सवारी के रूप में हमेशा क्या आता है कौन तक तो विद्यार्थियों आज हमने ओन का जो प्रयोग है वो पूरा पढ़ा है कि ओन का प्रयोग कैसे काम होता है किस चीज के लिए होता है। तो आज इस ओन वाले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से अपना ध्यान में लेकर करके वीडियो को देखना जहां पर आपके कोई समझ में नहीं आती है कोई बात तो मैंने आपके घर पर दो दिन पहले कॉन्टेक्ट किया है आपके दादा से तो किसी के पिता से किसी के भाई से किसी के मम्मी से तो किसी बच्चे के पुत्र से मेरी बात हुई है और मैंने उसको कहा है कि यदि इंग्लिश के ऑनलाइन वीडियो में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी मुझे संपर्क जरूर करें और मुझे बताइए कि वीडियो के अंदर इस वीडियो के अंदर मुझे ये बात समझ में नहीं आई या बोर्ड पे जो लिखा गया है वो समझ में नहीं आ रहा है कोई आवाज में गड़बड़ हो रही है आदि के बारे में आप जरूर मुझे इन्फॉर्म करेंगे। तो आशा है आपको ये वीडियो जो हमारे अपने क्वेश्चन होने इस पर जो मैंने दिया है वो पसंद आएगा। तो इस वीडियो के साथ शुरुआत से अंत तक बने रहिए और करते रहिए सुरक्षित रहिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।